दोस्तों, आप देख सकते हो कि गोभी की खेत में कितने सारे खरपतवार उग गए हैं। ये खरपतवार सही समय पर साफ नहीं किया जाएगा तो कीड़े लगने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा और गोभी की पौधे बढ़ने में दिक्कत पैदा करेगा। इस तरह पतले और लंबे पत्ते वाला खरपतवार के लिए बाज़ार में दवा मिलता है जो फसलों को नुकसान ना करते हुए खरपतवार को ही मार देता है। आजकल खेतीबाड़ी में लेबर का मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कम से कम खर्च में खरपतवार साफ हो जाए। दोस्तों, ये पेस्टिसाइड मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से पूछ कर खरीदा था। इस पे 1 लीटर पानी में 2 ml दवा का प्रयोग करने के लिए लिखा गया है, लेकिन आप 1 लीटर पानी में 1 ml देने पर भी काम कर रहा है, इसलिए आपका खरपतवार देखकर 2 ml या 2 ml से कम दे सकते हैं। दोस्तों, ये दवा प्याज या लहसुन की खेती में मत डालना, नहीं तो ये प्याज और लहसुन की खेती को भी नष्ट कर देगा। खरपतवार की दवा स्प्रे करने के लिए अलग से नोजल आता है, उस नोजल पर स्प्रे करने से सही से आप खरपतवार पर दवा का छिड़काव कर सकोगे। पाँच दिन बाद ये लंबे पत्ते वाला खरपतवार नष्ट हो चुका है, लेकिन ये चौड़े पत्ते वाला खरपतवार नष्ट नहीं हुआ है।